वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद मंजीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी मलाई केक, जो देखने में बहुत अच्छा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं केक। मैंने एक बाउल में एक बाउल छोटा वाला सूजी ले ली है और उसमें आधा बाउल पिसी हुई चीनी डाली है। बाउल मैंने एक ही रखा है सबसे मेज़रमेंट के लिए, और 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है, और आधा बाउल मैंने दही डाला है, और आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है, और 1 से 1.5 चम्मच इसमें मैंने वनीला एसेंस डाला है, और 10-12 मैंने बादाम इसमें अंदर क्रश करके डाल दिए हैं, और 1/2 से 1.25 चम्मच दूध डाला है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये थोड़ा लिक्विड लग रहा है पर सूजी हमारी फूलेगी, क्योंकि मैदा नहीं डाला है मैंने, सूजी डाली है, तो इसलिए थोड़ा सा लिक्विड ही रहना है इसको चाहिए। तो चलिए अब इसको ग्रीस करते हैं जिसमें मैंने केक बेक करना है। मैंने टीन ले लिया है 6x2 इंच का, इसको ग्रीस कर लिया है। अब जो मैंने बैटर बनाया था इसको इसके अंदर पोर कर दिया है। अब इसको 2 बार 3 बार टैप करना है, इसके सारे बबल्स निकल रहे हैं। मैंने प्री हीटेड जो कढ़ाई थी मेरी उसमें मैंने इसको रख दिया है स्टैंड के ऊपर, और इसको कवर कर दिया है। मैंने 30 से 35 मिनट इसको बेक करना है फुल आँच पे। तो अब देखते हैं हमारा केक तैयार है। केक हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसको अनमोल्ड करूँगी केक को साइडों से थोड़ा थोड़ा हटाते हुए। ये केक को हम टीन से बाहर निकालेंगे। ये देखिए केक हमारा बेक हो चुका अच्छी तरह से। अब मैंने कढ़ाई में एक बाउल दूध लिया है, एक और 5-6 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और चीनी इसमें मैंने मिक्स नहीं की है क्योंकि दूध हमारा ऑलरेडी मीठा है। अब इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, जैसे रबड़ी होती है वैसा बनाएंगे। अब इसमें मैंने 5-7 केसर के धागे डाल दिए हैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए, और थोड़ा कलर चेंज हो जाए हमारा इसलिए। अब इसको थोड़ा सा गाढ़ा करते हुए ये देखिए हमारा तैयार हो गया है रबड़ी। अब मैं केक को कट करूँगी, एक पीस लूँगी इसका केक का। मैं सारे केक के ऊपर मैं इसको मलाई को नहीं डालूँगी जो मैंने रबड़ी मलाई है बनाई है। तो अब इस एक पीस के ऊपर मैं इसको ये देखिए ऐसे इस तरह से डालूँगी रबड़ी को। चारों तरफ से इसको ऐसे कवर कर देंगे मलाई के साथ। बस ये हमारा थोड़े से हम काजू चॉप्ड इसके ऊपर गार्निश के लिए डालेंगे। ये तैयार है हमारा सूजी रवा मलाई केक। तो बनाइए, एंजॉय कीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप ज़रूर बताइए। ट्राई इट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।